दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एबीएस क्या होता है, एबीएस काम कैसे करता है। दोस्तों आप लोगों को जैसे पता ही है कि एबीएस को अब कंपलसरी कर दिया गया है हर एक बाइक में जो कि 150 है या 150 से ऊपर होती है उसमें हम लोगों को एबीएस देखने को मिलता है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरे ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं जिनको अभी भी नहीं पता कि एबीएस काम कैसे करता है और एबीएस क्या क्या वर्क कर सकता है, एबीएस के क्या क्या प्रॉफिट है और एबीएस के कुछ लॉस भी है। दोस्तों ये भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाउ वर्क एबीएस। चलिए दोस्तों बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। सो दोस्तों एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। एबीएस काम आता है हमारी ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। आपको ही पता होगा कि कुछ साल पहले ही, कुछ साल मतलब एक ही साल हुए होंगे मेरे हिसाब से, जिसमें 125 से ऊपर जो गाड़ी आती है उसमें हर गाड़ियों में एबीएस का यूज किया जाएगा। और दोस्तों जो 125 जो गाड़ी आती है उससे कम सीसी की गाड़ी आती है उसमें सीबीएस का यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस कैसे काम करता है? दोस्तों देखिए एबीएस का जो फुल नेम है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस काम कैसे करता है? देखिए दोस्तों एबीएस भी टू टाइप से आता है। इसमें आपको कई कई गाड़ियों में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और बहुत सारी गाड़ियों में डुअल चैनल एबीएस मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं तो वहीं आपको ड्यूक 125 में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, ड्यूक 200 में डुअल चैनल एबीएस मिलता है, MT15 में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, RN5 V3 में डुअल चैनल एबीएस मिलता है। दोस्तों डुअल चैनल एबीएस का मतलब जो फ्रंट डिस्क प्लेट होता है उसमें भी एबीएस काम करता है, जो रियर डिस्क प्लेट होता है यानी कि जो रियर एंड फ्रंट दोनों ही ब्रेक में एबीएस काम करता है, और जो सिंगल चैनल एबीएस होता है उसकी सिर्फ फ्रंट में काम करता है और रियर में दोस्तों सिर्फ स्पीड सेंसर लगा हुआ रहता है। ये तो हो गया दोस्तों एबीएस का टाइप्स। दोस्तों ये काम कैसे करता है? देखिए एबीएस और नॉर्मल ब्रेक शू जो होते हैं, नॉर्मली जो हर गाड़ियों में ब्रेक शू होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ब्रेकिंग होती है और एबीएस क्या होती है? देखिए जो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम होती है उसमें क्या होता है कि जब हम ब्रेक को पुश करते हैं या ब्रेक मारते हैं तब आपको पता है कि जो हमारी बाइक है वो रुकती है ब्रेक शू से। तो ब्रेक शू नॉर्मल ब्रेक में कंटिन्यू जाम रहती है, मींस ऐसे ही रहती है, वो खुलती नहीं है, ऐसे ही लगी रहती है, तो हमारी गाड़ी रुकती है। उसमें हमें लॉस क्या होता है? गाड़ी के स्किड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एबीएस कैसे काम करता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों एबीएस कैसे काम करता है? एबीएस जब आप ब्रेकिंग मारेंगे या ब्रेक मारेंगे तो एबीएस जो ब्रेक शू होते हैं उसको ऐसे 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 मतलब वो पकड़ता है, छोड़ता है, पुश करता है, छोड़ता है, पुश करता है, छोड़ता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है दोस्तों कि इसकी वजह से गाड़ी की जो ग्रिपिंग होती है टायर की हमारे उसमें रोड में वो काफी हद तक बढ़ जाती है, जिस वजह से बाइक जो स्किड होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं कंपैरिजन टू नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम। इसलिए आपको पता है कि 150 से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उसे हमारी गवर्नमेंट ने वहां पे एबीएस को कंपलसरी कर दिया है। जितनी भी गाड़ी आएगी सब में एबीएस यूज किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से एबीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रेकिंग सिस्टम। एबीएस से दोस्तों बहुत बड़ी कंडीशन में ये होता है कि जब एबीएस आप ब्रेक मारेंगे तो जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़ी कंडीशन में, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप पानी वाली जगह पे है या रोड में रेत है तो वहां पे भाई आपकी स्किड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम है और अगर आप रेत में या पानी में ब्रेक मार रहे हैं तो बहुत जल्दी स्किड हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एबीएस में भी स्किड नहीं होता, देखिए एबीएस में भी थोड़ा बहुत स्किड होता ही है, लेकिन कंपैरिजन टू नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम बहुत कम होता है। इसलिए दोस्तों एबीएस को कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहां वैसे ही बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिस वजह से एबीएस का यूज किया गया और एबीएस को देखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एक्सीडेंट को देखते हुए उसे कंपलसरी कर दिया गया। दोस्तों एबीएस के मैंने आपको प्रॉफिट तो बताया, एबीएस के लॉस ये है दोस्तों, वैसे हम इसे लॉस तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों को जैसे पता कि बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टैंड के शौकीन रहते हैं। अब जिन बाइक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि जिनमें एबीएस का यूज किया जाता है उन बाइक में ब्रेकिंग जो आपको पता है उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से आप अगर स्टंट कर रहे हैं, व्हीली मार रहे हैं, स्टॉपी मार रहे हैं तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि ड्यूक 390 हमारी जो है बाइक है उसमें था ये ऑप्शन कि एबीएस को या तो आप चालू कर लो या तो आप एबीएस को बंद कर लो, या तो आप फ्रंट एबीएस को चालू कर लो, आपका बैक एबीएस बंद हो जाएगा जिससे आप आसानी से व्हीली
मार सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बाइक में ABS ऑन है तो व्हीली मारने में प्रॉब्लम होती है। देखिए जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उनमें तो ABS बंद करने का ऑप्शन होता है, लेकिन जो कम सीसी की गाड़ी होती है लाइक आप NS200 ले लीजिए, RS200 ले लीजिए, ड्यूक 200 ले लीजिए, इन गाड़ियों में ABS बंद करने का ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से इन गाड़ियों में स्टंट मारने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों मैं तो बोलता हूँ भाई स्टंट ठीक है, आप मारते हैं आपको शौक है, लेकिन सेफ रहिए, और ABS बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए अगर आपको जिनको स्टंट मारना ही होता है वो लोग क्या करते हैं, ABS को बंद करा लेते हैं परमानेंटली, क्योंकि स्विच तो उसमें होता नहीं, तो उसके सेंसर को परमानेंटली बंद करा देते हैं जिनको स्टंट करना होता है। तो ABS का एक लॉस मुझे ये देखने को मिलता है, बाकी मेरे हिसाब से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS के और भी कोई लॉस नहीं है, ऐसा ही ABS काम करता है, वो कंटिन्यू जाम नहीं रखता, जाम करता है छोड़ता है, जाम करता है छोड़ता है, जिस वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि बाइक की जो स्कीड होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों का चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके।